सभी भाइयों को आज जुड़कर नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल राहुल तोमर नस्ल सुधार उत्तर प्रदेश में। जय गो माता, जय भारत, मेरा भारत महान। आज भाइयों हम पहुंचे हैं जो मुजफ्फरनगर, और आगे की जानकारी तो लेंगे भाई साहब से। हाँ, और यहाँ जो मुजफ्फरनगर में इतनी अच्छी ब्रीडिंग हो रही है, मतलब इन्होंने बैक ब्रीडिंग भी करी। कुछ गो माता हमारी जो गायें हैं वो जर्सी भी थी, उनसे बैक ब्रीडिंग कर ली। कुछ मिक्स थी, क्रॉस ब्रीड थी, वो सब देखो ब्रीडिंग करना सीखेंगे तो आज आप कुछ कहते हैं। और भाई साहब मतलब तोते की भी ब्रीडिंग करते हैं। अब परिचय दीजिए भाई साहब। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक भाई देख रहे हैं तो उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी राम राम जी। हाँ, नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी ये जो वीडियो देखने वाले हैं और जो आपके सब्सक्राइबर हैं उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है और सबको बहुत अभिनंदन है। और आज हमारे यहाँ डॉक्टर साहब आए हैं तो इनका भी बहुत धन्यवाद है तहे दिल से। और डॉक्टर साहब का बहुत समय से हमारी बातचीत हो रही थी ब्रीडिंग के बारे में और गायों के बारे में, तो आज सब भाइयों के सामने लाने के लिए डॉक्टर साहब आए हैं। तो आप देखेंगे और वीडियो में मैं जानकारी दूंगा आपको, कुछ गायें हैं, बछिए हैं, किस प्रकार से हमने ब्रीड करके और इनको क्वालिटीज इम्प्रूव हुई हैं और रिजल्ट आए हैं। और ये जो हमारा स्थान है ये मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहे के पास में पड़ता है, यहीं पर हमारी गायें हैं। आपका नाम बताओ? मेरा नाम शशांक है। और अभी आप देखेंगे जो गायें बछिए जाएंगी, अभी फिलहाल बच्चियों की रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं तो अभी वो जाएंगी तो आप देखिएगा सभी। ठीक है, कौन से बोल के? ये राठी बछिया और ये ऐसे जी के 20775 एक बुल है राठी का। हाँ, उसकी बच्ची है। देखिए भाइयों, ऐसे जी का जो ये 20775 जो 20775 की तो बेटी है। देखो भाइयों ये आई। ओह, चलो चलो चलो, तो ये कौन से बुल की? ये साहिवाल कामधेनु गौशाला KBSG के नरवीर की बच्ची है। ये जो कामधेनु गौशाला के, हाँ, नरवीर बुल की बच्ची है। देखो भाइयों, ये जो नरवीर की जो बच्ची है, और ये वाली तो ये सामने गिर की बच्ची, ये गजेंद्र बुल की है। और ये गोविंद बुल की बच्ची है। तो ये गोविंद बुल की है जो KBSG के। ये तो ये वाली KBSG के ही साहिवाल के भीषम बुल की बच्ची है। ये साहिवाल का KBSG का जो भीषम बुल की पीछे पीछे वाली है, ये ULDV के रेड सिंधी बुल की बच्ची है। ये ULDV रेड सिंधी की बच्ची है। और ये वाली ये साहिवाल KBSG के नटराज की बच्ची। देखो भाइयों, ये जो बच्ची नटराज की है। देखो भाइयों, ये जो तो बच्ची देख रहे हो जो ये नरवीर की, ये KBSG के हैं। और वो बच्चा माधव बुल का, हाँ, माधव बुल का बछड़ा है ये। तो ये माधव बुल का टथार पार। ओए, क्या कर रहा है बच्चे? और इसके हमारे साथ तीन बच्चे हैं माधव बुल के, हमारे पास दो बच्चे हैं और एक बछड़ा है। ठीक है, ठीक है। और देखो भाइयों कितनी अच्छी सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो मतलब करी है जो शशांक भाई ने। एक भाइयों देखो, ये जो ड्रम है, ड्रम को बीच में से काट के इन्होंने कितना अच्छा साइड का मैनेजमेंट बनाया। देखो ये इधर भी ये जालीदार हवा जो बाहर से आती है, ये मक्खी मच्छर से बचाओ गौ माता का। और इधर ये भी सब कुछ है। देखिए भाइयों, ये जो ड्रम है तो ये 600 रुपये के लग आता है, और इसमें से दो को काट के अगर दो पशु घास आराम से खा लेंगे, बहुत अच्छे से खा लेते हैं। ये पानी का भी आराम से ये भर के, और ये जो हाँ ये दो खा रहे, देखो इधर दिखाते हैं, ये खुली रहती है। ये बहुत कम खर्चा है, तो अगर वैसी कंपनी का लेंगे तो वो तो बहुत मतलब महंगा आता है। और सस्ता कॉस्ट देखो जो कितना अच्छे जो पशु खा रहे हैं। और ये बैल है, तो ये भी शशांक भाई ने, ये कोई कसाई ले जा रहा था काटने के लिए, वो बचा है। उसके लिए मैं शशांक भाई का बार बार दिल से धन्यवाद करता हूँ, और इन्हें दुआ भी देता हूँ कि इनके घर में हमेशा खुशी से भरा रहे। और जो इस एक बेचारे की जो बैल की एक जान बचाई है। और अब चलो भाइयों, इनकी माता जो है, ये सब गौ माता है की, इनकी ब्रीडिंग करके और जो जिस सांड से बताई, चलो इनकी माँ को देखते हैं। और भाइयों इधर जो है आपको नन्ही तो जो घुमाते दिखाए हैं उनकी माताएं हैं सभी। यहाँ से जी शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत इधर से ही कर लीजिए। चलो शुरुआत भाइयों इधर से ही करते हैं, आपको दिखाते हैं सारी क्या क्या रिकॉर्ड किया। तो ये उठाओ भाई, आजा भाई। देखिए भाइयों इधर से शुरुआत कर रहे हैं, तो ये शशांक जी इसका रिकॉर्ड क्या है? ये हमारी गिर गाय है। हाँ, ये अभी 3 बार बच्चे दे चुकी है, तीनों ही बार। और ये दूध कितना देती है? ये दूध लगभग 10 किलो दूध देती है। हाँ, लेकिन लंबे टाइम तक देती है और बहुत शांत है। और इसके तीन बुल के हमने रिजल्ट लिए हैं। इसपे एक बुल का रिजल्ट लिया है हमने, इसके ऊपर CIRC मेरठ का बुल था जी, जो जूनागढ़ यूनिवर्सिटी का बुल होता है जी, उसका रिजल्ट लिया। दूसरा हमने ABS का गणेश बुल है, उसका रिजल्ट लिया जो कि ब्राजील लाइन से बिलोंग करता है। और तीसरा हमने जो KBSG के गजेंद्र वाली बछड़ी है वो भी इसी की है, और तीनों रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। अच्छा, तो जो आपने गिर का बुल आपने जो सिलेक्ट किया, अच्छा, जो हमारे जो पशुपालक भाई है
हमारे ब्रीडिंग करना चाहते हैं उनके लिए जो आपने किस बुल का रिजल्ट अच्छा लिया? देखिए ब्रीड क्वालिटीज़ के हिसाब से बहुत सारे बुल हैं, जैसे कि एक ABS का राज बुल भी है। हाँ, राज बुल अच्छा रिजल्ट, हाँ उसका रिजल्ट मेरे पास है, उसका बछड़ा है हमारे पास, तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और गिर में जो KGSG के बुल्स हैं वो भी एक अच्छी ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं, काफ़ी पुरानी ब्लड लाइन से, उनके लगभग काफ़ी बुल बहुत अच्छे हैं और मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है। और धीरे धीरे उसमें से कुछ ले लिए हैं रिजल्ट और कुछ और लेंगे। गोविंद के रिजल्ट बहुत अच्छे आए, हमारे पास 2 बछड़ियाँ उसकी आई हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं गोविंद। अच्छा, और मैं वीडियो के माध्यम से ये बता दूँ, ABS का राजबुल है, तो ABS के सीमन बहुत नकली बाजारी भी मतलब चलती है, लेकिन मतलब मैंने खुद उनके डिस्ट्रीब्यूटिंग से बड़ों से सीमन लिए थे। अपनी वास्तविक घटना बताता हूँ, कभी कोई झूठ नहीं उस बात होगी, तो वे सब नकली सीमन निकले। देखिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नकली पशुपालक की कमर तोड़ देगी। मतलब देखो आपकी तो गोमाता गिर है और निकले HF, तो फिर क्या करोगे? लोगों के साथ होता है, होता है, दुख भी होता है। तो विश्वास पात्र से सीमन ले, किसी नकली आदमी से सीमन कभी भी ना ले। सीमन की श्योरिटी होना एक बहुत जरूरी चीज है। 2 रुपये ज्यादा लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर जो आपको एक बार भी मतलब आपकी कमर तोड़ देगा नकली बाजारी। एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बार भी अगर गलत ब्रीडिंग हो गई, हाँ, तो उसको ये समझिए कि आपका पूरा लाइफ टाइम ही खराब हो जाए। सही बात, बहुत सारी मेहनत खराब। चलो चलो, वीडियो लंबी ना हो तो एकदम थोड़ी जल्दी जल्दी बताइए। साहिवाल बछड़ी है, ये भी घर की है और ये भी घर की बच्चे दे चुकी है, इसने भी 2 बछड़ी दी है। अच्छा, तो इसमें साहिवाल किसी में यूज करिए आपने? साहिवाल किया है। चलो चलो, तो ये कितना किलो दूध तक का? ये 12 किलो दूध दिया है। चलो जी, 12 किलो और ये भी 10-11 किलो। ठीक है ठीक। और ये एक क्रॉस ब्रीड है, इसकी माँ गिर थी और बुल का तो हमें मालूम नहीं है, प्रेग्नेंट आई थी, हाँ, उसकी, लेकिन हमने इससे गोविंद की बच्ची ली है। इससे भी आपने बैक ब्रीडिंग कर ली? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, रिजल्ट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो भाई, गिर का रिजल्ट जो ले रहे हैं, बताओ। तो ये साहिवाल होगी, ये राठी है, उठाओ। तो भाई ये राठी है, तो ये कितना किलो दूध देती है? ये राठी है, ये लगभग 13 किलो दूध देती है। हाँ, और इसकी पहली बच्ची है जो 2775 की हमने दिखाई थी राठी की, वो इसकी बच्ची है। तो 2775 की, 30 साल, तो वो किस संस्था का है? वो SAG का। अच्छा, SAG का। चलो, तो ये जर्सी होगी, ये जर्सी है जो एक... देखो भाई, जर्सी को भी दुश्मन ना समझो, इनसे बैक ब्रीडिंग कर लो। इस पे हमने माधव बुल है जो KGSG का थार पार्कर, उसका रिजल्ट लिया है, उसकी बच्ची। ये थार पार्कर ले लो या साहिवाल ले लो, दोनों बुल दोनों अच्छे हैं, बेस्ट रहेंगे। हमको व्हाइट कलर का पसंद था, इसलिए हमने उसको। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये बच्चिया? ये बच्चिया गाय के साथ में आई थी, अभी इसकी बच्चियाँ हैं जो वो 137 जो बुल है KGSG को, सॉरी SAG का, हाँ, उसकी बच्चियाँ हमारे पास। तो ये कितने किलो दूध की है? इसके लगभग 9-10 किलो दूध। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये वाली, ये गाय, ये मुझे ज़्यादा दूध की लग रही, ये ज़्यादा दूध की ही है। देखो भाई, वो एक बार आपको दिखा दूँ, क्योंकि जो पशु का बॉडी स्ट्रक्चर, जो पशु बता देता है बोल के, जो रोज पशु में रहता है देखता है, तो सभी देखो कितने मोटे मोटे, मुट्ठी का थन, ये मुट्ठी का थन बोलते हैं, जो मुट्ठी से बाहर ना निकले, और चारों थनों का फासला 1 फुट का बराबर। तो जब ये अडर निकालती होगी तो क्या चीज़ करती होगी? ये कितना किलो दूध की है? मैं बताना चाहता हूँ, इसकी कैपेसिटी गाय की लगभग 17-18 किलो है। हाँ। और ये गाय अभी दूसरे लैक्टेशन में ही है, और फर्स्ट लैक्टेशन में इसके 14 किलो दूध दिया था जी। लेकिन इसके साथ एक पॉजिटिव गाय या नेगेटिव गाय क्या रहा, एक्चुअली ये गाय ड्राई नहीं हो पाई थी हमारे पास, और मैंने 20 दिन पहले इसको बहुत मुश्किल से दूध छोड़ा ही था, जब भी लगभग ये 2.5 किलो दूध एक टाइम दे रही थी जी। तो इस कारण से एक तो ये बॉडी पे नहीं बन पाई, क्योंकि बहुत कम गैप मिला इस गाय को, और दूसरा दूध में भी बहुत ज्यादा नहीं जा पाई, कारण यही रहा, क्योंकि इसको फीड बहुत अच्छा नहीं करा पाए थे हम डेट की वजह से जी। लेकिन गाय बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी गोमाता है। ABS का वो जो बुल है राजबुल, उसका बछड़ा इसका है। अच्छा, तो वो देखो भाई, राजबुल का बछड़ा इसी गोमाता आगे दिखाएंगे। तो जी, कोई अगर जो बछड़ा कोई अगर लेना चाहे आपसे, तो वो सेल के लिए है? हाँ जी, अभी तो खैर वो दूध पी रहा है बछड़ा। अच्छा अच्छा, आप एक बार वो अपना मोबाइल नंबर बोलो। हाँ जी, मेरा नंबर है 7060701614। ये नंबर लेकिन मेरा केवल व्हाट्सएप पे ही अवेलेबल रहता है। हाँ। तो प्लीज़ व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हाँ, तो ये भाई व्हाट्सएप पे कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप को, क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैंने बताया। ठीक है ठीक, व्हाट्सएप पे करके ले। ये जो बच्चियाँ हैं, ये वो CIRC जो मैं मेरठ का बता रहा था, जूनागढ़ यूनिवर्सिटी का, उसकी बच्ची है ये, फर्स्ट टाइम लैक्टेशन में है, अब बच्चा दे चुकी है, इसका भी बछड़ा। ठीक है ठीक, तो ये गोमाता दिखाएं अगली। ये हमारी क्या रिकॉर्ड किया है जी? ये गाय हरियाणा में थोड़ा मिक्स कह सकते हैं, ये जो थार हरियाणा की थोड़ी मिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको थार पे ले लो। और इसको एक्सीलेंट रिजल्ट लिया है इसके, रामू बुल का जो सिरसा डेरे का बुल है, उसका एक बछड़ा है, एक बच्चिया है, मेरे पास दोनों आए हैं रिजल्ट जी, दोनों अच्छे बहुत रिजल्ट आए हैं। चलो ठीक है, गाय की मिल्किंग भी अच्छी है, 13 किलो के लगभग इसका दूध है। देखो भाई, 13.5 किलो दूध भी देसी गोमाता का कोई कम नहीं होता। और देखो अडर थन की पहचान करो, मतलब जो मोटा थन मुट्ठी का, इसका बहुत टाइट रहता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी करेक्टर की है।
तो ये वाली इसका नाम है, इसका नाम सभी के रखे हुए हैं, नाम सभी के, ये बच्चों की तरह से। चलो चलो, तो ये क्या रिकॉर्ड है? ये गाय है, ये थारपारकर और राठी का क्रॉस कह सकते हैं। हाँ। तो मैंने इसके जो रिजल्ट लिए हैं तो थारपारकर से इसके दो, एक बछड़ा और एक बछिया है, तो रिजल्ट ज़्यादा बढ़िया। इस पे थारपारकर क्या है या राठी है? इस पे अभी तक हम थारपारकर कर लिया है, राठी का नहीं लिया है। अच्छा, थारपारकर बढ़िया। बराबर में बच्चा देख रहे हैं, ये इसी की बछिया है फर्स्ट टाइम में, और ये इसके साथ में आई थी गाय के। देखो भाइयों, ये जो दोनों पर चल सकती है, राठी भी चल सकती है और थारपारकर भी। तो वो सामने बच्चे किस किसके हैं? तो अंदर वो जो है, अंदर एक ये गाय है, इसकी भी हमारे पास दो तीन बच्चे हैं। हाँ, तो ये मिक्स है थोड़ी, ये थोड़ी सी। देखो भाई, साहिवाल की मिक्स है। तो ये कितने अच्छी गाय है, कितने किलो तक का है? तीन तीन से लगभग 16-17 किलो रहता है, 16-17 किलो। और गाय का आर्डर बहुत अच्छा है, टाइट रहता है। इसकी बच्चिया जो फर्स्ट लैक्टेशन में हमारे पास थी, तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, उसका आर्डर बहुत अच्छा रहा। अच्छा, और ये बच्चे बताओ? ये बच्चिया इसी की बच्चिया है, गाय की ही। इसी की? हाँ जी। और ये KGSG की नरवीर मूल की बच्ची। देखो भाइयों, ये जो ये सामने ये घुमा दिखाई, इसी की ये बच्ची है जो नरवीर की। हाँ, और ये जो बच्चिया है, ये रामूगुल की बच्ची है। ये रामूगुल की बच्ची है। देखो भाई, माथे में पोल बहुत अच्छा है इसका, एक बड़ा बछड़ा, थोड़ा गड़कम्बल भी आया है, तो कोई दिक्कत नहीं। और वो ये बछड़ा उसी गाय का, माधव का है, जो अभी दिखाई थी, राठी और थारपारकर वाली क्रॉस की बैठी। अच्छा, ये राठी दार रहा, बहुत बढ़िया। देखो, जो थारपारकर का अच्छा रिजल्ट आया। और एक परलेवाड़ी से जो बच्ची है, वो इस बच्चिया की है, जो ये राठी बच्चिया है। हाँ हाँ, ठीक है। ये 20774 है SAG का, उसकी SAG का 20774 की। चलो जी भाई, तो इनका फीडिंग क्या देते हो? फीडिंग मिलाओ, फीडिंग भी दिखाओ। फीडिंग में हम लोग इसको अपने आप को अनाज का मिक्सर। और भाइयों, अभी मतलब फीडिंग के बारे में भी जानेंगे। हाँ जी, तो ये बताओ, जो फीड आप देते हो, तो ये ये उरला पीछा हो गया क्या है? तो ये खड़ी होगी इसमें, ये पीली सरसों की खल है जी, इसमें काली सरसों की खल भी है। हाँ। और इसमें हम जो अनाज रखते हैं, उसमें जैसे गेहूँ हो गया। हाँ। क्योंकि वो इजीली अवेलेबल होता है, मक्का है, जौ है, और ये सब पीसते हैं। हाँ। या बनाते हैं इनका खुद। हाँ। और इसके अलावा इसमें जो कुछ छिलका है, चने का छिलका है, और चूरी रखते हैं इसमें, जैसे उड़द की चूरी है, अरहर की चूरी मिल जाती है यहाँ पर मुजफ्फरनगर में। तो वो हम रेशों के हिसाब से उसको मिक्स करके, और इसमें 1% या 1.5% नमक भी रखते हैं। हाँ। और सोडा भी रखते हैं, और डाई कैल्शियम फॉस्फेट भी यूज़ करते हैं बीच की कैल्शियम के लिए। तो ये करते हैं, और थोड़ा फीड हम इसका जो गोदरेज कंपनी है उसका भी यूज़ करते हैं। अच्छा, बाकी अपने वाले का रिजल्ट अच्छा रहता है, क्योंकि हम उसको अच्छे से उसमें गुड़ वगैरह भी डालते हैं, और वो हम उसको। तो ये फीड गोदरेज का है? ये गोदरेज का फीड है। तो ये कहाँ से खरीदते हैं? आती है मेरी मुजफ्फरनगर में मंडी में मिल जाती है, तो ये सब मैच होके आता है। अच्छा जी। अच्छा, तो जो अलग से मिंडन मिक्सर, कोई और मिंडन मिक्सर? मैं देखिए, कोई कंपनी का तो ऐड नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जो वर्बैक का एग्रीमिन रिलेटेड आता है, मैं वही यूज़ करता हूँ। तो आप रिजल्ट अच्छे मिले? वो हम अलग से देते हैं इनको, लगभग जैसे 50 ग्राम देना है किसी को, 100 देना है या किसी को 30 देना है। हाँ। वो हम देते हो सेपरेटली ही खिलाते हैं। और सरसों का तेल? सरसों का तेल मैं नहीं यूज़ करता हूँ। अच्छा, नहीं करते? क्योंकि डिवार्मिंग, जो डिवार्मिंग में प्रॉपर करता हूँ। तो कौन कौन से सॉल्ट से करते हो आप? मैं अलग अलग सॉल्ट से करता हूँ, जैसे आपका निर्जान आती है, उसमें जो सॉल्ट लिवामी सॉल्ट होता है, उसके अलावा क्लोजेंटाल है, और उसके अलावा एल्बेंडाजोल हो गई, पेंटेंडाजोल हो गई, और उसके अलावा आपका रेफॉक्सीनाइड हो गया। तो ये जितने भी टीपी वेट आती है, या आइवरमेक्टिन से भी करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सॉल्ट अलग अलग इस हिसाब से। बहुत बढ़िया, यानी कि एक सॉल्ट को यूज करके फिर अगली बार नहीं करते। देखो भाई, बदल लेना, और मिनरल मिक्सर अपने हिसाब से यूज करो, कि हमें किसी कंपनी का तो ऐड करना नहीं। कोई पहचान नहीं, जो आपको अच्छा लगता है, मिलता है वो आप। चलो भाई, वो बताना ये आपको वीडियो लगी, ये कैसी लगी, और एक बार फिर वो शशांक भाई अपन। हाँ अच्छा, ये रहे बच्चे, रहे भाई, ये बच्ची बताओ। गौशाला के लिए अंगद गुल का बछड़ा है। तो इसकी माँ कौन सी? इसकी माँ ये वाली। देखो भाई, इसकी माँ ये खड़ी सामने वाली, और ये जो KGSG का जो काम धेनु बुल का है, अंगद बुल। हाँ ठीक है, जो अंगद बुल का भाई, ये बिल्कुल ध्यान से देना। ये KGSG के राज का। देखो भाई, ABS का राज बुल का रिजल्ट मुझे अच्छा लग रहा है। देखो भाई, इसे देखो, और ये से देखो, देखो आपको पता लगा कि ये रिजल्ट अच्छा लगा मुझे। राजबुल का अच्छा रेट है। अच्छा अच्छा, तो ये राजबुल का ये है, इसकी माँ है। हाँ जी, ये 17-18 किलो की ये गाय का बच्चा भाई ये।
अच्छा, और ये वाला 137 की बछड़ी है, ये 137 जो SAG का, 100 SAG का। हाँ जी ठीक है। अच्छा चलो भाई, वो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। कांकरेज की है। अच्छा तो ठीक ठाक है, कांकरेज की है। तो ये कैसे आए तोली कांकरेज की? तो ये कैसा है? हाँ ये मैंने हरियाणा गाय को अपनी कांकरेज का सीमन रखवाया था, तो हाँ बच्चियाँ मेरे पास आई थी। हाँ ये मैं दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी का सीमन जो CIRC से मिलता है ना, वो लाया था। इसकी माँ को, इसको, इसका सीमन, इसकी नहीं क्यों रखा? नहीं जो आपने इसको जो मतलब क्या है कांकरेज रखना? ये कांकरेज से ही थी, ये हरियाणा की बछड़ी है। हाँ और ये कांकरेज का सीमन इसको रखता था हरियाणा को, तो ये बछड़ी आई थी। ये जो गाय है, इस गाय को देखो भाइयों, इस गाय को जो कांकरेज का सीमन लगा जो हरियाणा का, तो यही बछड़ी आई। तो ये कांकरेज में तो लग रही है, तो इसका बेसिकली करेक्टर्स कांकरेज के मिलते हैं, कलर पैटर्न नहीं आया। हाँ लेकिन इसका जो बिहेव है वो बिल्कुल कांकरेज का है। हाँ फिर इसको ही मैंने कांकरेज का ही सीमन रखा, तो ये बछड़ी आई है। देखो भाइयों, ये जो कांकरेज का, देखो ये फेस है, छोटा मुँह, तो आप देख सकते हो छोटा मुँह है, और ये कान लंबे और सींग हो जाएंगे। तो छोटी बच्ची है, अभी छोटी बच्ची है, पर सुंदर लग रही है जो भी है, क्वालिटी अच्छी है। चलो भाइयों, और कोई बात बतानी चाहोगे? और तो बस यही है कि मोबाइल नंबर आपने तो दोबारा बता दिया। हाँ एक बार मोबाइल नंबर फिर बताओ। मेरा नंबर है 70 60 70 16 14। देखो भाइयों, ये शशांक भाई का नंबर है, और कोई भी अगर कोई आपको गौ माता तो जो कोई सेल करोगे विचार है? सेल के लिए बेसिकली ब्रीड बहुत अच्छी मेंटेन की है। हाँ लेकिन अगर कोई अच्छा जेन्युइन पशुपालक होगा तो हम तो दे सकते हैं। ठीक है ठीक है। चलो भाई, वो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, जो शॉर्ट में ही ज़्यादा आपको अच्छी चीज़ दिखाना पसंद करते हैं। और भाइयों, इधर ये भी जो गोमाता खड़ी है, ये साहिवाल की थोड़ी सी मिक्स है, जिस चन्ना भी कम है, पर लेकिन ठीक है, साहिवाल के करेक्टर ज़्यादा ले रही है, 80% कह सकते हो। ये भी सेल के लिए है। हाँ तो बताना भाइयों, तो ये आपको नंबर दे दिया शशांक भाई का, जो बात करनी होगी तो ये गोमाता सेल के लिए है, तो देख लेना। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, शॉर्ट में ही आपको अच्छी अच्छी चीज़ जो मैंने दिखाई है। देखो कितना अच्छा मेंटेन रख रखाओ, ये जालीदार हवा तो एक स्वर्ग से कम नहीं है। देखो ऊपर जो पंखे फरफर करते हुए, और नीचे साफ सुथरा मैदान, जो बड़ा दिल खुश होता है भाइयों जब गोमाता की सेवा होती है। तो जय गोमाता, जय भारत, मेरा भारत महान।